You won't believe this, मेरे सगे ताया, रियल ताया, उन्होंने हर चीज पे कब्जा कर लिया। मेरे पास एक भी कागज नहीं आने दिया और अब वो चाहते हैं कि हर चीज ले जाएं। और इनफैक्ट मुझे तो थ्रेट भी है, शायद मुझे मार डाले। इनफैक्ट आई थिंक वो चाहते हैं कि मैं मुल्क ही छोड़ के चला जाऊं। तो आपकी साथ थी तन्हाई, कब से है आपके साथ? जब से बाबा इस दुनिया से चले गए, मामा तो बचपन में छोड़ के चले गए। जब मैं शायद 7 या 8 साल का था, ऐसे सिंगल पेरेंट ने बहुत प्यार से पाला मुझे। आइकॉन थे मेरे, बहुत करीब था उनके। अचानक एक सडन एक्सीडेंट में डेथ हो गई उनकी, मम्मी के पास चले गए और मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़ के तन्हाई में। I'm so sorry. तुम क्यों सॉरी कह रही हो? It's okay. मैं जनरली तो अपनी पर्सनल स्पेस में किसी को जगह नहीं देता। I'm a very private person. किसी के साथ कभी भी अपने दुख शेयर नहीं करता। खुशियां बांटना तो और है। तुम्हारे साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो गई हो इन चंद दिनों में। क्या मसरूफियत है तुम्हारी तन्हाई के अलावा? आजकल तो कुछ खास नहीं, बस लॉयर से मिलना जुलना, कोर्ट कचहरी के चक्कर, यही चलता रहता है बस। कोर्ट्स क्यों? क्या बताऊं तुम्हें? You really wanna know? Yeah, if you are comfortable sharing with me. बाबा के चले जाने के बाद सब कुछ बदल गया। मैं तो तालीम के लिए शहर में रहा, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि जायदाद के कागजात कहाँ हैं, किसके पास हैं, कहाँ से निकालूंगा। You won't believe this, मेरे सगे ताया, रियल ताया, उन्होंने हर चीज पे कब्जा कर लिया। मेरे पास एक भी कागज नहीं आने दिया और अब वो चाहते हैं कि हर चीज ले जाएं। और इनफैक्ट मुझे तो थ्रेट भी है, शायद मुझे मार डाले। इनफैक्ट आई थिंक वो चाहते हैं कि मैं मुल्क ही छोड़ के चला जाऊं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए थी इस मौके पे। वी शुड हैव सम फन। तुम जानती हो जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, ऑनेस्टली मुझे परेशानियां भी अब मेहरबानियां लगती हैं। यू मेक मी हैप्पी, तुम्हारे होने का एहसास मुझे खुश कर देता है। अपने माँ बाप के जाने का दुख तो सह लिया है मैंने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर तुम मुझे छोड़ोगी तो शायद मैं वो दुख नहीं सह पाऊंगा। No. मेरी तरफ से तुम्हें कभी ये दुख नहीं मिलेगा। Really? इमोशनल हो क्यों यार? मुझे कि म्यूजिक लगाना चाहिए था। हाँ कुछ, यू नॉट इवन ईटिंग, खाओ, इतनी मेहनत से बनाया मैंने। I'm eating. एक मिनट, ट्राई दिस सैंडविच। यू हैव टू हैव दिस, ऑनेस्टली, एक बाइट, एक बाइट। कैसी है? Is it good? गर्मी हो रही है थोड़ी सी, एसी तेज करता हूँ प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।